हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडुवर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर है M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग यूनिट 4 का पार्ट 1, जो कि आपका CSS चैप्टर है। तो आइए हम चलते हैं आज के अपनी वीडियो पर। और आज का हमारा पहला सवाल है, CSS का तात्पर्य है, CSS stands for, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका जवाब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से CSS है, CSS इज ए, तो जो भी ऑप्शन है इनमें CSS क्या है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही जवाब है, मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, सिंपल डिजाइन लैंग्वेज और स्टाइल शीट लैंग्वेज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगला सवाल है, CSS का प्रयोग किया जाता है, CSS इज यूज्ड टू, CSS का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, फॉर डिस्क्राइबिंग ए डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज इन HTML, टू स्टाइल वेब पेजेस एंड टू सेट लेआउट ऑफ वेब पेजेस, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगला सवाल है, CSS का उपयोग करके हम निम्न को नियंत्रित कर सकते हैं, यूजिंग CSS वी कैन कंट्रोल, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कलर ऑफ टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स एंड सो ऑन, ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CSS है, CSS इज, CSS क्या है, तो इसमें हम बता दें कि CSS एक प्रकार का जो भी आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ HTML, CSS जो है ये HTML पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब होगा, CSS इज इंडिपेंडेंट ऑफ HTML। CSS का इस्तेमाल किया जा सकता है, CSS कैन बी यूज्ड, कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा, CSS कैन बी यूज्ड विथ एनी XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज, किसी भी XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज की मदद के साथ हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्न में से CSS किसकी सिफारिश है, CSS इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द, CSS किसकी सिफारिश है। तो हम बता दें W3C, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, W3C CSS इसका रिकमेंडेशन है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, W3C। देन वी हैव CSS के प्रयोग करने का क्या लाभ है, एडवांटेजेज ऑफ CSS। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और ये ग्लोबल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, समय बचाता है और इसे आसानी से मेंटेन और अपडेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS में हम किसी दस्तावेज में स्टाइल को जोड़ सकते हैं, इन CSS वी कैन ऐड स्टाइल टू अ डॉक्यूमेंट इन, कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 3 वेज, 3 रास्ते हैं जिनकी मदद से हम CSS में हम स्टाइल को ऐड कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। देन अगला क्वेश्चन है, CSS के माध्यम से डॉट डॉट डॉट, विथ CSS डॉट 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 व्हाट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव, इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, CSS इज मोर इफिशियंट, CSS की मदद से हम ज़्यादा इफेक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं, बड़ी आसानी से लोड हो सकता है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन इज, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के सेट ऑफ रूल्स में कुल कितने भाग होते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कंसिस्ट सेट ऑफ रूल्स इन, कितने भाग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होता है, 4 पार्ट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके कुल मिला के 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। निम्न में से डॉट 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 एक्सटर्नल स्टाइल शीट का हिस्सा है, फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एक्सटर्नल सोर्स लिंक, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के सिलेक्टर में पाया जाता है, सिलेक्टर ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट कंटेन्स क्या पाया जाता है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एलिमेंट्स, क्लास और आईडी, एलिमेंट्स, क्लास और आईडी तीनों चीज आपके जो है सिलेक्टर में पाए जाते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के। अगला सवाल है, वेब पेज किस एक्सटेंशन में सेव होता है, अ वेब पेज इज सेव्ड विद इन विच एक्सटेंशन, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, .htm extension and .html extension, option C means both option A and B will be the answer of this question। अगला सवाल है,
एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस एक्सटेंशन में सेव होता है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज सेव्ड विथ किस एक्सटेंशन में सेव होता है? ऑप्शन बी .css एक्सटेंशन। हमेशा ध्यान रखिए जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है ये .css एक्सटेंशन में सेव होता है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अगला सवाल है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन बी लिंक्ड टू ईच HTML वेब पेजेस बाय, किसकी मदद से हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम HTML वेब पेज से लिंक कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी लिंक टैग इसका जवाब है। लिंक टैग की मदद से हम लिंकिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से CSS का मुख्य भाग है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSS इज CSS का मुख्य भाग क्या है? CSS सेलेक्टर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। CSS सेलेक्टर इज द मेन पार्ट ऑफ योर CSS। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी हैव क्वेश्चन, CSS सेलेक्टर का प्रयोग किया जाता है? CSS selectors are used to, क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। सेलेक्ट एलिमेंट्स ऑन HTML एंड सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इन दोनों पर्पजेस के लिए हम CSS selector का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से क्या CSS selector का एक प्रकार है? फॉलोइंग्स आर CSS selector types। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। CSS ID selector, CSS class selector, CSS element selector और CSS group selector, these all are the types of CSS selector। और हमारा आखिरी सवाल आज की वीडियो का है, निम्न में से क्या CSS selector का एक प्रकार है? Following are CSS selector types। Option D will be the answer। Tag selector, CSS universal selector और सब सेलेक्टर, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम अपने आप को टाइम बाय टाइम इम्प्रूव कर सकें और बेहतर क्वेश्चंस और वीडियोज़ हम आपके लिए ला सकें।